जनपद उधम सिंह नगर के जसपुर में रमजान के पाक माह में शुक्रवार को ईद उल फितर पर्व से पहले क्षेत्र के तमाम मस्जिदों में इमाम द्वारा अलविदा जुम्मे की नमाज अदा कराई गई। वहीं शहर के जामा मस्जिद मोहल्ला चौहान पट्टी के सदर मौलाना ने नमाज अदा करते हुए देश में अमन शांति का पैगाम का संदेश दिया। वहीं सावी मीर ने बताया कि शहर की ईदगाह में नमाज अदा कर आता बड़ी ही खुशी के साथ ईद उल फितर का पर्व मनाया जाएगा, एक दूसरे को गले मिलकर मुबारकबाद दी जाएगी। जसपुर से प्रदीप श्रीवास्तव की रिपोर्ट। तबारक व तआला ने हमें ये रमजानुल मुबारक का बाबरकत महीना अता किया और आज रमजानुल मुबारक का आखिरी जुमा, जिसे कि दुनिया जुमातुल वदा के नाम से जानती है, आज जसपुर के शहर जामा मस्जिद में भारी तादाद में लोगों ने जुमातुल वदा की नमाज अदा की और बड़ा अच्छा माहौल रहा। कसरत से लोग आए और अल्हम्दुलिल्लाह जुमातुल वदा में आज हमने पूरे मुल्क के हिंदुस्तान के लिए अमन अमान के लिए दुआ की कि अल्लाह खैर व आफियत से हम लोग ज़िंदगी गुजारें, आपस में इत्तेफाक और इत्तेहाद बना रहे। और ये रमजानुल मुबारक बड़ा बाबरकत महीना है, तमाम मुसलमान खुश दिली के साथ में रमजानुल मुबारक के रोज़े रख रहे हैं और जुमातुल वदा की आज अल्हम्दुलिल्लाह नमाज अदा की। मोहल्ला चौहान है जसपुर की जामा मस्जिद है और ये अलविदा जुम्मे की नमाज़ पढ़ाई गई है और यहाँ पर अलविदा जुम्मे के बाद जो त्यौहार आएगा वो ईद का आएगा, इसे बोलते हैं ईद उल फितर।